परमेश्वर की बड़ी नाम की स्तुति हो हर एक भाई बहनों को प्रभु यीशु मसीह के मीठे और पवित्र नाम से जय मसीह की। परमेश्वर ने एक और अवसर हमारे जीवन में दिया है कि ये प्रभात मनन में हम इकट्ठा हो जाए। प्रभु उत्पत्ति की किताब में से सृष्टि के संबंध में परमेश्वर का शक्ति परमेश्वर का बल हम देखे आ रहा है। पिछले दिनों पांचवें पद तक हमने देखा है, आज हम छठवें और सातवें पद की ओर जाए। उसमें लिखा है, फिर परमेश्वर ने कहा, जल के बीच एक ऐसा अंदर हो कि जल दो भाग हो जाए। तब परमेश्वर ने एक अंदर बनाकर उसके नीचे के जल और उसके ऊपर का जल को अलग अलग किया है और वैसा ही हो गया है। देख कितना एक बहुत बड़ी बात है। दूसरा दिन का सृष्टि, हम पिछले दिनों में हमने देखा है परमेश्वर का क्रोध के कारण पूरा पानी पृथ्वी के ऊपर भरा हुआ था, पानी के अंदर डूब गया था पृथ्वी। परंतु इधर हम देख सकता है कि वो कितना पानी वो इकट्ठा हुआ था, वो पानी को परमेश्वर ने दो भाग में विभाजित किया है। एक थोड़ा पानी पृथ्वी के ऊपर ही पड़ा है, दूसरा पानी क्या कर दिया है, ऊपर की ओर खींच लिया है। प्रिय भाइयों बहनों, कोई भी ऐसी कर नहीं सकता है। परमेश्वर का कितना बड़ा ताकत है पृथ्वी को नीचे खींचने के लिए एक बल है। कितना चीज ऊपर जाता है उसी को नीचे खींचता है। परंतु इधर हम देख सकता है कि परमेश्वर का शक्ति पृथ्वी के शक्ति से कितना बड़ा है। वो पानी को ऊपर खींच लिया। हम जानता है कि बिना कोई सपोर्ट में पानी रुक नहीं सकता है, परंतु आसमान की उस पार बिना सपोर्ट में परमेश्वर ने वो पानी को उधर खड़ा कर दिया है। प्रिय भाइयों बहनों, हमारा परमेश्वर कितना बड़ा महान परमेश्वर है। वो परमेश्वर का शक्ति सर्वशक्ति काम दूसरा दिन का कामों के द्वारा भी देख सकता है। लाल समुद्र को उसने डिवाइड किया है, बहते हुए समुद्र को उसको बंद कर दिया है, एक दीवार की जैसी पानी को कड़ा कर दिया है परमेश्वर ने। ओहो, हमारा परमेश्वर कितना बड़ा परमेश्वर है, कितना शक्तिशाली परमेश्वर है। एक ऐसी एक कहानी सुना है, प्रेरित थोमा इंडिया में पहली बार आया, जब कोई नदी के किनारे पे कुछ हिंदू भक्त लोग, हिंदू पुजारी लोग, वो लोटा लेकर पानी डाल के सूरज भगवान को आराधना कर रहा था। जब थॉमस लिखा ने उनसे पूछा, तुम ये पानी ऊपर से नीचे डाल रहा है, वो नीचे ही आता है, तुम उधर रुकवा सकता है क्या? पुजारी लोग ने बोला, नहीं, ये कैसे होएगा, वो कितना भी पानी नीचे डालता है वो नीचे की ओर जाएगा, वो पृथ्वी पे जाके गिर जाएगा। परंतु थॉमस लिखा ने क्या किया है, अपना हाथ में वो लोटा लिया है, वो पानी नीचे डाल दिया है। जब वो रुक गया है, नीचे की ओर नहीं आया, पृथ्वी पे नहीं गिरा है, ऐसी रुक गया है। कितना सच्चाई है नहीं मालूम है। ऐसी एक संभव को मैंने सुना है, कहीं पढ़ा है, इसलिए याद आया। देख उधर भी हमारा प्रभु का शक्ति हम देख सकता है, पानी को रुकवाने का शक्ति। हमारा परमेश्वर कितना बड़ा परमेश्वर है। ये सर्वशक्तिमान परमेश्वर का बेटा बेटी बनने के लिए परमेश्वर ने हमको सहायता किया है। ये ताकत हमारे अंदर है, इसलिए पौलोस बोल रहा था, परमेश्वर के ताकत से मैं कुछ भी कर सकता है। परमेश्वर का ताकत बहुत बड़ा है, हमारे विश्वासी लोगों में वो ताकत होना चाहिए। हम प्रभु में निर्भर रहेगा तो, आश्रित हो जाएगा तो, परमेश्वर का वो शक्ति हमारे ऊपर भी मिल जाएगा। वो शक्ति से हम परमेश्वर को काम कर सकता है।
ये बड़ा परमेश्वर को, उसका शक्ति को देखकर, उसका सर्वशक्तिमान काम को देखकर हम उसको स्तुति और आराधना करते हुए जीवन बिताने के लिए परमेश्वर हमको सहायता करे। उसकी बड़ी नाम की महिमा हो।